अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ ये वॉशिंग मशीन सैमसंग 7.5 केजी, इसका एरर है E1, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें मसला क्या है और कहां से इसका मसला सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसका करेंगे ऑन, पावर ऑन, उसके बाद स्टार्ट, भी इसका आएगा एरर। ठीक है, ये एरर आ रहा है इसका E1। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें चेक करना है इसका वाटर लेवल, क्योंकि ये एरर वाटर लेवल से आ रहा है। तो आइए इसका पिछला कवर, ये कवर जो है इसको हम खोल के इसके अंदर जो है वाटर लेवल वो चेक करते हैं, उसमें मसला वाटर लेवल का है या कोई और मसला है। आइए चेक करते हैं, आइए इसको ओपन करके। ओके, ये आ गया इसका वाटर लेवल, ये वाटर लेवल आ गया इसका। इसको ओपन करके इसको निकाल दें। ठीक है, इसका वाटर लेवल है। ठीक है, तो वाटर लेवल को निकाल के उसके बाद फिर हम करेंगे ये दूसरा लेके, इसको हम ये इधर से उठा के अब हम इसको लगाएंगे इधर। ये लगा लें, उसके बाद उसका पाइप सही तरीके से उसको फिट कर दें। ठीक है, फिट करने के बाद इसको अपनी जगह पे सही बैठा दें। ठीक है, ये आ गया इसका ये, और इसको अभी हम एक मिनट, इसको अब हम दोबारा ऑन करके चेक करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं दोबारा ऑन, और उसके बाद है स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया आपका वॉशिंग मशीन, हो गया तैयार, और इसका जो एरर है वो वाटर लेवल से आ रहा था। ठीक है, ये सैमसंग 7.5 केजी का है, WA और 95V9। ठीक है, तो ये मसला इसका इसके साथ सॉल्व हो गया। और आपसे आखिरी में गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।